आपका स्वागत है आपका crime100news.com में। साथ मैं हूं आपके अपर्णा राय। चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का उड़न खटोला पुलिस लाइन बांदा में बने हेली पेड़ में उतरने के साथ केशव प्रसाद मौर्य बाबू राम निषाद साध्वी निरंजन ज्योति का स्वागत सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी ने किया, साथ ही गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इसके बाद डिप्टी सीएम सड़क के रास्ते सभा स्थल जीआईसी मैदान बांदा पहुंचे। पूरा मैदान गूंज उठा, आईसी मैदान भर गया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य फिर चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो या उज्ज्वला योजना के साथ साथ प्रदेश सरकार द्वारा रहा है। भाजपा सरकार के होने से ही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू हो सका है। डिप्टी सीएम मीडिया बंधुओं से बातचीत करने के दौरान बताया कि 2017 की भांति 2022 में भी प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनाएगी। जन विश्वास यात्रा के संबंध में बताया कि जनता की उम्मीदों पर अपने कामों से खड़े उतरे हैं, इसी के चलते जनता ने हमारा विश्वास किया है। बांदा से सीमागिरी की खास रिपोर्ट। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, मुझसे मेरे से ज्यादा आप लोग जानते हैं। बहुत सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बुंदेलखंड में ट्रांसफर की गई कितनी 2,00,000 करोड़ रुपया। अगर ये सब सरकार में होते तो 15% आपको मिलता, यानी 30,000 करोड़ आपको मिलता, 1,70,000 करोड़ रुपया। ये सपा बसपा कांग्रेस और उठपटवा पार्टियों के नेता खा जाते। गरीबों के घर में भी